हेलो एंड वेलकम, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी, एक यूट्यूब स्टार कॉमेडियन जिसकी वीडियो हमें अक्सर ट्रेंडिंग टॉप में देखने को मिलती है। और ये भारत के सबसे पहले यूट्यूबर हैं जिन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में से एक धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम करने का मौका मिला था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हर्ष बेनीवाल की। बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर आज हर्ष ने अपनी खुद की प्रोडक्शन में भी एक फिल्म प्रोड्यूस करी है चेकमेट। अपनी कॉमेडी स्किल्स के लिए जाने जाने वाले हर्ष ने इस फिल्म में कुछ हटकर किया है। फनी वीडियोस बनाने वाले हर्ष इस फिल्म में काफी इंटेंस और सीरियस रोल में नजर आए। हर्ष आज जिस मुकाम पर है, इन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत कड़ी मेहनत करी। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने में इन्हें काफी उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ा। तो आइए आज जानते हैं हर्ष बेनीवाल की लाइफ से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। हर्ष बेनीवाल का जन्म 13 फरवरी 1996 को नई दिल्ली में हुआ। उनके माता पिता और प्रिया नाम की एक बहन भी है जो एक फैशनिस्टा है। हर्ष की शुरुआती शिक्षा की बात करें तो उन्होंने महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। हर्ष पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही उन्होंने स्कूल टाइम से ही एक्टिंग, ड्रामा और करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि हर्ष बचपन से ही अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने एजुकेशन को भी महत्व दिया और न्यू दिल्ली के श्री अरबिंदो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके अलावा कॉलेज के दौरान उन्होंने हमेशा उनके मनोरंजन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करने का प्रयास जारी रखा और फिर उन्हें उसी समय डब मैश एप्लीकेशन के बारे में पता चला। दरअसल साल 2015 में यह एप्लीकेशन डबिंग और लिपसिंग के लिए काफी मशहूर हुआ था और फिर ये सब देखकर हर्ष ने इस एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। कुछ में ये डबिंग करते तो कुछ इनके खुद की ऑडियोस होती। इस ऐप पर हर्ष तरह तरह के गेटअप करके, चाहे वो लड़कियों वाले हो या अंकल वाले, उनमें अलग अलग तरह की फनी वीडियोस बनाते और अपलोड भी करते थे। हालांकि जब हर्ष एक लड़की होने का नाटक करते तो कुछ दर्शक हर्ष का अच्छा खासा मजाक भी बनाया करते थे, लेकिन हर्ष ने उनके ताने नहीं सुने और अपने जुनून को पूरा किया और फिर वो आगे बढ़े और अपनी कॉमेडी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर अपने वीडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए हर्ष ने अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी बनाया और फिर वहीं उन्होंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हर्ष ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हर्ष अपनी पढ़ाई से भी पिछड़ गए थे और फैशन में भी वो मुकाम ना हासिल कर पाने की वजह से वो काफी तनाव में आ गए थे। हर्ष ने इसी बारे में अपनी फैमिली से बात करी और उन्हें सारी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई उनके दिल से मेल नहीं खाती और उनका करियर एक है। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य भी उनके वीडियो बनाने की गतिविधियों को देख रहे होते थे, इस कारण वो घायल भी हो जाते थे। उन्होंने कॉलेज से भी ड्रॉप ले लिया ताकि वो वीडियो बनाने में अपना पूरा समय दे सके। उनके घर वालों ने उनका पूरा सपोर्ट किया और हर्ष भी अपनी एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग में लगातार सुधार करते रहे। और जैसा आप सब जानते हैं, देर से ही सही पर मेहनत करने पर कामयाबी मिलती जरूर है। धीरे धीरे उनके प्रयास सफल होने लगे, हर्ष के वीडियो वायरल हुए और देखते ही देखते हर्ष के फॉलोअर्स और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही गए। इसके बाद उन्हें मूवीज के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हुए। हर्ष ने 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया। इसके बाद साल 2020 में भी लोगों को हर्ष की एक्टिंग कैंपस डायरी नाम की वेब सीरीज में देखने को मिली और उनका करेक्टर लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया। हर्ष बेनीवाल के यूट्यूब चैनल को भी लोगों ने खूब सराहा और यही वजह है कि उनके चैनल ने देखते ही देखते 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपने प्रोडक्शन के अंडर एक फिल्म प्रोड्यूस करी जिसमें हर्ष एक्टिंग भी करते नजर आए। हर्ष ने बहुत स्ट्रगल, हार्डवर्क और पैशन से अपने सपनों का पीछा करा और उन्हें हासिल भी किया। उनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप जो भी काम दिल से करें उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।